हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब सभी लोग अच्छे होंगे और मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। यहाँ पर देखो, मैंने एक परेवा लिया था और उसको पड़ोसी भाई ने छील छाल कर अच्छे तरह से रुइया रुनोच कर मासू बना रही है बहुत अच्छे से। और देखो कैसे लग रही है, अच्छा लग तो नहीं रहा है, लग रहा है कोई बुगला है या कि कोई मैना है, ऐसा लग रहा है। देखने में भी अच्छी नहीं, अब तैयार हो गया। देखो मैं आलू और मासू को बहुत अच्छे से पका कर भूज कर रखा है। यहाँ पर प्याज, तेजपत्ता, मिर्चा, आदि, लहसुन, बहुत सारे सामान मैंने दिया है इसमें। इसको अच्छी तरह से गला कर भूजूंगी, बहुत अच्छा से ये गल जाएगा। तो इसमें ये है मसाला, धनिया पाउडर है, और ये मैंने कढ़ाई में डालूंगी, डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से चलाएंगी धीरे धीरे, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसमें सारा सामान यानी कि मसाला सारे दे देंगे। तो अभी मैं इसे चला रही हूँ, सभी मिक्स हो जाएगा। तो मैंने अच्छे से इसमें मसाला डालकर और सभी, अब ये देखो सभी मिक्स हो गया है, मासू और आलू प्याज सभी। और इसमें मैंने सारा मसाला दे दिया और तेल बहुत सारा लगता है मासू में, तो मैंने सारा चीज़ दे दिया। अब इसमें पानी देना बाकी है, पानी मैं दे दूँगी। और अभी मैं चला रही हूँ अच्छे से, तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आप लोग तो खाया होगा, मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोग का कैसा लगेगा नहीं लगेगा। तो मैंने पानी और दे दिया तो तैयार हो गया। देखो यहाँ पर तैयार हो गया, तो आयुष खा रहा है, अभी चावल खा रहा है। इस कटोरा में मासू है परेवा का, और इसमें मैंने ढक कर रखा है। अब मैं इसे उघाड़ती हूँ, देखो बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बना है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप लोग देख लिया कितनी अच्छी लग रही है, और बहुत सारे लोग खाया भी, और वो भाई भी आया था, वो भी खाकर चला गया। और ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो दोस्तों, जो लोग मासू नहीं खाता है तो उसके लिए, और मेज़बान भी आया था, तो इतना सारा पकवान मेरे घर पर बना है आज। देखो ये पापड़ चिप्स है, और ये क्या है, कदीमा है, और अभी इसमें गोभी का तरुआ बन रहा है, और ये आलू है, प्याज का कचरी बनेगा, और ये परवल है साइड में, अभी बन रहा है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या सब मेरे घर में बन रहा है, आप लोग मेरे वीडियो में बने रहना। तब तक के लिए पूरा वीडियो वॉच करना, बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखो बनकर तैयार हो गया, इसमें पापड़ चिप्स है और आलू है, प्याज का कचरी है, कदीमा और गोभी बहुत सारे हैं। और ये देखो आलू परवल का सब्जी है, इसमें बादाम भी दिया है, चना। और ये देखो इसमें क्या है, और ये देखो गर्मा गर्म दाल है, मैं आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाती हूँ। और ये देखो ये चावल है, बहुत सारे घर पर लोग आया है, मेज़बान आया है, तो इतना तो बनता है खाने के लिए। तो आप लोग देख लिया, ये सब मैंने बनाया, और गोभी का तरुआ मेरे ननद ने बनाया, और सारे मैंने खुद ही बनाया। और ये देखो दादी माँ, दूसरी पड़ोसी दादी माँ है, ये पूरी छान रहा है, दूसरी गांव जाएगा, शादी था ना तो उसके लिए बाहर जाएगा। और ये देखो भुला के इसका दादी क्या बना रहा है, मूर्ति बना रहा है आटा का। और यहाँ पर मेज़बान है, मैं आप लोग को घर की तरफ दिखाती हूँ वहाँ पर क्या है। और ये देखो ये खीर है, इतना सारा बड़ा हंडी में। और ये देखो कितना सारा पूरी है, आप लोग नहीं देखे होंगे, अच्छे से देख लेना, बाहर जाएगा दूसरी गांव। और मैंने कुछ
दीदी के साथ आया था शॉपिंग के लिए, वो भी आया था तो मैंने चलाया। मैं तो कुछ लिया नहीं, तो जो लोटा सल लिया, मेरे पास सल नहीं था, पुराना हो गया था, मैंने सल लिया। और बहुत अच्छे अच्छे कपड़ा यहाँ पर मिलता है, देखो बच्चों के लिए भी है और लेडीज के लिए भी है। और ये बूढ़े अंकल देखो क्या करें, और दीदी देखो ये गंजी ले रहा है बच्चों के लिए। और यहाँ पर देखो प्रोग्राम हो रहा है मेरे घर पर, बहुत अच्छा से प्रोग्राम होता है, आप लोग देखना और इंजॉय करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। मैं भी देखता हूँ कि इस देवी कैसे बच सकता है।